जय श्री कृष्ण। मैं उर्मी बागड़िया परफेक्ट कुकिंग स्टाइल में आपका स्वागत करती हूँ। आज हम बनाएंगे आलू का रायता। आलू का रायता बनाने के लिए चाहिए हमको 2 मीडियम साइज के आलू, उबले हुए और बारीक कटे हुए, 1/2 किलो दही, 1/2 टीस्पून नमक, 1/2 टीस्पून काला नमक, 1/4 टीस्पून काली मिर्च पाउडर, 1/2 टीस्पून जीरा सिका हुआ व पिसा हुआ, 1/2 टीस्पून कच्चा जीरा पिसा हुआ, 1/4 टीस्पून राई या राई दाल को पानी के साथ पीस लीजिए, 1/2 प्याज बारीक कटा हुआ, 1/2 टीस्पून किसा हुआ अदरक, 1 हरी मिर्च बारीक कटी हुई, 1 टेबलस्पून बारीक कटा हुआ हरा धनिया, 1 छोटा टमाटर, गार्निशिंग के लिए फुदीना। आलू का रायता बनाने के लिए सबसे पहले हम बाउल में दही लेंगे और दही को हम मथनी से या विस्क से थोड़ा फेंट लेंगे। दही हम हैंड मिक्सी या मिक्सर में नहीं करते, नहीं तो पतला हो जाता है, रायता गाढ़ा नहीं रहता है। इसको अच्छे से फेंट लीजिए। दही हमने फेंट लिया है, अब हम इसमें डालेंगे सिका हुआ जीरा 1/2 चम्मच, कच्चा पिसा हुआ जीरा 1/2 चम्मच, 1/4 टीस्पून राई या राई दाल को पानी के साथ पीस के, रायता नाम पड़ा है राई दाल से, रायते का फ्लेवर राई दाल से आता है, 1/4 टीस्पून काली मिर्च पाउडर, 1/2 टमाटर, बारीक कटा हुआ 1/2 प्याज हमने डाला है, 1/2 टमाटर, रायते में हरी मिर्च ज़्यादा नहीं डाले नहीं तो स्पाइसी लगेगा, अदरक, हरी मिर्च और बारीक कटा हुआ हरा धनिया, उबले और बारीक कटे हुए आलू। आलू अपने घर में अवेलेबल रहते हैं, दही भी अवेलेबल रहता है, तो जब आपकी इच्छा होती है तो तुरंत आप रायता बना सकते हैं। रायता पराठे के साथ सर्व कर सकते हैं, रोटी के साथ सर्व कर सकते हैं, लंच और डिनर में कभी भी चलता है, पुलाव और बिरयानी और राइस के साथ आप सर्व कर सकते हैं। हमने रायते में नमक नहीं डाला है, नमक से रायता खट्टा हो जाता है, नमक जब खाना हो तब आप डालें। 1/2 टीस्पून काला नमक और 1/2 टीस्पून नमक, आप हमारी पूरी रेसिपी देखिए और हमारी रेसिपी को आप अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल आइकन दबा दें जिससे आपको हमारी अगली रेसिपी तुरंत मिल जाए। रायता हमारा तैयार है, फुदीने से हमने गार्निश किया है। आलू हमेशा बच्चे बड़े सब लोग पसंद करते हैं, तो आप ज़रूर बनाएं, बहुत टेस्टी लगता है। और आपके एक्सपीरियंस हमारे कमेंट में शेयर करें और हमारी चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।